नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं SSC MTS की नई कट ऑफ के बारे में। 2020 में SSC MTS की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। टायर टू का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और रिजल्ट डेट क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है और जनरल OBC SC ST EWS को क्या फ़ायदा हो सकता है या नहीं फ़ायदा हो सकता है, एज रिलैक्सेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप SSC की तैयारी करते हैं या फिर आप DRDO, MTS, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी या फिर UP पुलिस, SI, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, तो आप सभी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। आप सभी को बता दूँ, SSC और DRDO MTS के लिए स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस 25 जनवरी से आपके लिए इस चैनल पर स्टार्ट हो रही हैं। तो GK की क्लास होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों एज ग्रुप के बारे में। तो आप सभी को बता दूँ, एज ग्रुप क्या है। अब की बार एज ग्रुप के लिए जो SSC है, इसने MTS के लिए 18 से 25 वर्ष और 18 से 27 वर्ष के दो ग्रुपों में इस बार SSC ने MTS को बांट दिया है। अब क्या है 18 से 25 और क्या है 18 से 27, पूरी की पूरी बातें समझते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए IT डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन सभी की वैकेंसीज़ को कलेक्ट करके SSC निकालता है। अब मान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास जो कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आना चाहिए उसकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि 18 से 25 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए जो हमारे डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। अब मान लीजिए कि CBI वाला डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होना चाहिए उसकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 26 साल और 27 साल की जो एज है वो भी हमारे पास एलिजिबल है, वो हमारे डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ इतना मतलब है, 18 से 25 और 18 से 27 का मतलब इतना है कि इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट को बांटने वाला सिस्टम है, यानी कि इससे आपकी वैकेंसी पर कम या बढ़ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन घाटा हो सकता है कि उसको जिनकी 26 साल या 27 साल एज है और 18 से 27 वाले ग्रुप में है, तो उनको घाटा हो सकता है। क्या घाटा हो सकता है अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो स्पेशल इसके ऊपर भी एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आपने टायर वन का एग्ज़ाम दिया, टायर टू का एग्ज़ाम दिया जो कि डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का पेपर हुआ और उस पेपर में जनरल OBC और EWS के लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, यानी कि लगभग 22 नंबर आपके आने चाहिए तभी आपका टायर टू का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग माना जाएगा। और इसी तरीके से आप दोस्तों बात कर सकते हैं कि SC और ST जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं उनके लिए भी आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, यानी कि लगभग 18 नंबर आपके आने चाहिए तभी आपका टायर टू का एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं ऑल स्टेट को प्रेफरेंस करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टेट में EWS की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी और कुछ स्टेट में EWS की कट ऑफ कम भी गई थी। तो आप सभी को बता दूँ, EWS की कट ऑफ ऑल स्टेट को प्रेफरेंस करके मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस 80। अगर किसी का इतना स्कोर है तो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है और बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी अपने मार्क्स लिखा करिए और पूछा करिए कि सर क्या मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको अब बताता हूँ मैं जनरल की कट ऑफ, तो इतनी जा सकती है, यानी कि प्लस माइनस 84 जनरल की कट ऑफ इतनी जा सकती है, दो तीन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने नंबर पर आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जरूर ही मिल जाएगा। OBC की बात करें तो दोस्तों, OBC के बारे में आपको बता दूं तो जो OBC की कट ऑफ है ये आपकी प्लस माइनस 76 इतनी ही जाएगी और इससे ज़्यादा दो तीन नंबर ऊपर नीचे होगा। अगर किसी का इतना स्कोर है तो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है और बहुत अच्छा स्कोर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दोस्तों इसी तरीके से बात करें SC ST की कट ऑफ कितनी जा सकती है,
तो एस सी एस टी की कट ऑफ के बारे में बता दूं आपको, अगर किसी के 68 से लेकर 70 तक का स्कोर है तो एक सेफ स्कोर और बहुत अच्छा स्कोर बोल सकते हैं, एस सी एस टी के लिए गुड स्कोर माना जा सकता है ये। नेक्स्ट अगर दोस्तों आपको बता दूं कि रियल डेट कब है, तो आपको बता दूं 30 और 31 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले 25 और 26 जनवरी बताया था, लेकिन फिर मैंने बहुत जांच पड़ताल की और उसके बाद पता चला कि 31 और 31 जनवरी को आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो आपका रिजल्ट अभी आपको 15 दिन का 15 डेज़ का और वेट करना पड़ेगा, तो कम से कम 10 से 15 दिन का वेट और करना पड़ेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत बड़ा एक इश्यू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें फाइनल ले जाना है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो इसके बारे में भी, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। DRDO MTS के लिए और SSC के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, GK और GS की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।